पता नहीं इमली को हो क्या गया। वो किसी और की शर्त मानकर हमारी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकती है? उसे क्या सच में लगता है कि अगर वो केस हार जाएगी तो हम मालिनी के साथ रह लेंगे? तो इसमें क्या गलत है आदि? तो मालिनी का तो सोच, उसका क्या होगा? तो क्या हम सच में मालिनी से शादी कर ले माँ? वो उनसे प्यार नहीं करते, उनके साथ खुश नहीं रह पाएंगे और इमली को कोई सबूत नहीं मिलने वाला है। वो बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती है? अब दिखाई दे रही है ना तुझे उसकी खामियां। अब जाकर भगवान ने मेरी सुनी है। आदि तो इस बात को क्यों नहीं मान लेता कि इमली तेरे लिए सही नहीं है? भगवान की भी यही मर्जी है कि तू और मालिनी साथ रहे। नहीं माँ, चाहूं कुछ हुआ हुमा ना तो भगवान की मर्जी रहे और नए बाबू साहब की। हमें इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। आदि से बाबू साहब हमारे साथ आइए प्लीज। उनका सबूत मिल गया। सबूत? क्या सबूत मिला है तुम्हें? मुझे दिखाओ, मुझे देखना है क्या सबूत है तुम्हारे पास। नहीं माँ, भाई नहीं, आप देख नहीं पाई हैं। और हम भी नहीं चाहते कि आप मालिनी दीदी की असलियत ऐसे देखें। पर भाई बाबू साहब को देखना जरूरी है। प्लीज चलिए ना हमारे साथ। ये हम तुम्हारे लिए लाए थे। शरद, आप हमारे खातिर वीडियो बनाए रहे पर आप ही कब बंद करना भूल गए रहे। आप उसे भी बस सब कुछ है। वो रात जाऊं कुछ हुआ सब आपके लिए, आपके लिए ये दिखना बहुत मुश्किल हो। आप बुला रहे थे हमें? इमली होने, हमारी इमली होने। क्या बात करना चाहते थे आप? हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया है इमली। सर तो मैंने भी आपका बात किया है। तुम्हारे पास हमसे दूर जाने की 100 वजह है, हमारे पास आने की एक भी नहीं है इमली। आपके पास ही हूँ इमली, कभी आपसे दूर नहीं गई इमली। बाबू साहब संभालिए खुद को, हिम्मत रखे का वक्त है। आप ये लड़ाई हार नहीं सकते। इतना कुछ हार गए हैं, अब ये लड़ाई जीत कर क्या करेंगे, क्या पालेंगे? इतने सालों की दोस्ती, इतना लंबा साथ, हम खुद से ज्यादा मालिनी पर भरोसा करते थे। हमारे साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती? इतने दिनों से हम अपने आप को दोष देते रहे, हम गिल्टी है कि हम एक अच्छे पति नहीं बन पाए, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। वो सीधे कह देती हमसे,
ये बहुत गिरी हुई हरकत है इमली। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? कोई इंसान इतना नहीं बदल सकता। अब तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती रही। सिर्फ तुम सच के लिए लड़ रही थी। सब हम आपके खातिर लड़त रहे, अपन प्यार के खातिर लड़त रहे, कमजोर कैसे पड़ते। बाबू साहब हम जाना था कि आपको बहुत बुरा फील होता है। वाली दीदी हमारी बड़ी बहन है, आपकी बहुत अच्छी दोस्त है और यही चीज का फायदा उठा। बाबू साहब सीता मैया की सौखन हम आज तक बहुत कोशिश किए कि वो समझ जाए, वो अपन गलती मान नहीं पाता है। अब ऐसा नहीं हो सकता, अब हमने कोशिश करने से कुछ नहीं हुई, अब सिर्फ सजाओं का सुधार सकते। सजा दिलाने के लिए ये सबको दिखाना पड़ेगा। ये हम अपनी माँ को नहीं दिखा सकते, ये अपनी माँ को नहीं दिखा सकते, टूट जाएंगे वो। I'm sorry, इमली। हम तुम्हें बुरा भला कहते रहे, तुम्हारा साथ नहीं दिया। अगर हम बहुत पहले तुम्हारी बात मान जाते तो आज बात यहां तक नहीं पहुंचती। हम बहुत शर्मिंदा है। बाबू साहब सर हम आपको नहीं, वाली दीदी को आके चाहिए। आपका दोस्त सिर्फ ये कि आप अपन दोस्ती पर भरोसा की, आपको ये भरोसा रहे कि आपकी सबसे अच्छी दोस्त का वो आपका बुरा नहीं चाहिए। वहां गलत नहीं है कुछ, बाबू साहब माली दीदी सिर्फ आपन मतलब के खातिर आपको इस्तेमाल की। बाबू साहब अब कल आप सर उठाकर कचहरी जाइए और तब तक हम घर में सब लोगों को ही दुख से बचा के रखिए, पूरे परिवार को इस सब से एक के खातिर तैयार करिए। बाबू साहेब भी वीडियो कल सीधा कोर्ट में ही चली है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी त्रिपाठी जी, इमली ने साफ साफ कहा है कि उसे सबूत मिल गया है। लेकिन कैसा सबूत अपना जी? अरे जब मालिनी ने कुछ किया ही नहीं तो इमली को सबूत के तौर पर मिला क्या होगा? अरे कुछ नहीं मिला होगा, मुझे तो लगता है फिर से उसकी कोई बचकानी सी चाल है। नहीं भाभी मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा है। इमली खुद भी बहुत सहमी हुई लग रही थी, कहीं सच में इस बार इमली सच तो नहीं बोल रही। इमली सच बोल रही थी माँ। पहले दिन से इमली ही सही थी। अब सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रहे। क्या देखा है तूने आदि? क्या सबूत है ये बताओ ना, मुझे दिखाओ। मैं तो कहती हूँ सबको दिखाओ, क्या सबूत है? अभी नहीं मां, अब जो कुछ भी देखना है आप सब लोग जज के साथ कोर्ट में ही देखेंगे। लेकिन आप सब लोग तैयार हो जाइए, आपको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। I'm so sorry, इमली। मैं समझ सकता हूं कि वो वीडियो तुम दोनों के लिए देखना बहुत टफ होगा, लेकिन इमली अब वो वीडियो कोर्ट में चलेगी सबके सामने। Are you guys okay with that? Okay, ठीक है। सुनो एक काम करो, वो कैमरा संभाल के रखना और उसका मेमोरी कार्ड भी संभाल के रखना, और प्लीज कल कोर्ट की हियरिंग के लिए लेट मत होना प्लीज। ओके बाय।
कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को उसके किए की सजा दिलवाने के लिए मुझे इतना बुरा लगेगा। क्या हो गया मालिनी तुम्हें? तुम इतना कैसे गिर गई? ऐसा क्या कर दिया मैंने? आप यहां क्या कर रही है मिस चतुर्वेदी? तुमसे आपसे मिस चतुर्वेदी। एनीवे केसी, मैं यहां आई हूं क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। मुझे पता है आपको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, और कल कोर्ट में आपको हारना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो कोई सबूत नहीं है। काश मैं आपकी बात मान पाता कि आप यहां मेरे लिए आई हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको अपने अलावा और किसी की चिंता नहीं है। बस कंफर्म करने आई है ना यहां पे कि हमें सबूत मिला कि नहीं। तो चलिए आपको कंफर्म करवा देते हैं, हमें आपके अगेंस्ट ठोस सबूत मिल चुका है। और अब आपसे मुझे ये बात छुपाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कल आपकी असलियत कोर्ट में सबके सामने आ जाएगी, वैसे जैसे आदित्य के सामने आ चुकी है। नो, नॉट पॉसिबल। ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है मिस चतुर्वेदी, अपनी फ्रीडम का आखिरी दिन एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि कल से आप जेल में होंगे, जेल में होंगे। गुड बाय। बाबू साहब कैमरे को चार्ज कर दीजिए और इसी कार्य का ध्यान रखिए। रिटमा को गड़बड़ नहीं होके चाहिए। तुम्हारा कितना इंतजार किया है इमली। इंतजार तो मैंने भी आपका बात किया है इमली। इमली हम सोच रहे थे हम दोस्ती में नहीं पा पाए। लेकिन आपने तो दोस्ती के मायने ही पीछे छोड़ दिए हमारे लिए। हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सब कुछ कभी डिसाइड होगा। आपको सिर्फ हमें नहीं, कोर्ट में जज को भी जवाब देना होगा। हमें आपके अगेंस्ट ठोस सबूत मिल चुका है, और अब आपसे मुझे ये बात छुपाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कल आपकी असलियत कोर्ट में सबके सामने आ जाएगी, वैसे ही जैसे आदित्य के सामने आ चुकी है। अपनी फ्रीडम का आखिरी दिन एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि कल से आप जेल में होंगे। मुझे जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं,
आदित्य पूरी लाइफ मुझसे नफरत करेंगे, वो कभी मेरा चेहरा देखना नहीं चाहेंगे। मालिनी बेटा, पिछले सुनवाई में यह तय हुआ था कि प्रोसिक्यूशन अगर कोई ठोस सबूत नहीं लाते तो ये केस बेबुनियाद माना जाएगा। तो मिस्टर चौहान, क्या आपके पास मिस मालिनी चतुर्वेदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत है? यस योर ऑनर, हमारे पास ऐसा सबूत है जिसे देखने के बाद कोई शक बाकी नहीं रहेगा कि मिस चतुर्वेदी ने मिस्टर त्रिपाठी का फायदा उठाया। इमली प्लीज, योर ऑनर, हमारे पास उस रात की वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि कैसे मिस चतुर्वेदी ने मिस्टर त्रिपाठी को पहले नशा करवाया और फिर उनका फायदा उठाया, जिसमें ना उनकी मर्जी थी और ना उनकी गलती। योर ऑनर, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू प्ले दिस वीडियो इन कोर्ट नाउ। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये वीडियो क्यों नहीं प्ले हो रहा है? योर ऑनर, वीडियो प्ले होने में प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि ऐसी कोई वीडियो है ही नहीं। प्रोसिक्यूशन सिर्फ कोर्ट का वक्त बर्बाद। नो योर ऑनर, वीडियो है भी और चलेगी भी। प्लीज आप देखिए ना, वीडियो क्यों नहीं चल रही है? बाबू साहब, हम का बहुत डर लागत है, ये लोगन फिर से कुछ कर तो ना ही दिए सर। सॉरी सर, ये वीडियो प्ले नहीं हो सकता, कैमरे में डेटा है ही नहीं, किसी ने मेमोरी कार्ड से डेटा डिलीट कर दिया है। इमली, आई यू श्योर ये यही कैमरा था? तुमने मेमोरी कार्ड अलग से तो नहीं रखा था ना? किसी जी, हम सब संभाल के रखते हैं, इसका होता है। बाबू साहब, आप तो जाने तो ये नहीं, कैमरा कैसे चलिए, आप मदद करिए, नहीं वीडियो चलाएं। अगर कार्ड में डेटा नहीं है तो वो वीडियो किसी को नहीं मिल सकता। योर ऑनर, कोर्ट और क्या क्या बर्दाश्त करेगा? प्रोसिक्यूशन ने जानबूझ के ये ड्रामा क्रिएट किया है ताकि कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर सके। नो योर ऑनर, ये कोई ड्रामा नहीं है। योर ऑनर, हमारे पास सबूत था, किसी ने एविडेंस मिटाने की कोशिश करी है। प्लीज अब देखिए ना क्या हो रहा है। योर ऑनर, जब कुछ हुआ ही नहीं तो सबूत आएगा कहां से? इन लोगों ने जानबूझ के एक तमाशा क्रिएट किया है और इस केस की कोई बुनियाद ही नहीं है। ये केस तो आप तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। योर ऑनर, अभी के अभी इस तमाशा को बंद करवाइए। योर ऑनर प्लीज 20 मिनट दीजिए, मुझे एक बार और कैमरा चेक करनी दीजिए। बस कीजिए मिस्टर चौहान, कोर्ट ने आपको इतने दिनों की मोहलत दी थी, तब आप कुछ कर नहीं पाए तो अब 20 मिनट में क्या करोगे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिस्टर चौहान। सीता मैया की सौगन जज साहब, हमारे पास सबूत रहे, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुए रहे। फिलहाल आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप जाके बैठ जाइए। आप कौन होते हैं हमका चुपचाप बैठाए वाले? हम सिर्फ सच कहते हैं, और अगर कचेरी में सच की सुनवाई नहीं हुई तो कहाँ हुई आप? आपको उम्र की, आपको उम्र की बात सुनने के पड़ी जज साहब, आप एक बार उम्र की बात। अपने क्लाइंट को कंट्रोल में रखिए मिस्टर चौहान, ये कोर्ट है, इनका ड्राइंग रूम नहीं। क्योंकि प्रोसिक्यूशन कोई सबूत सामने नहीं ला पाए, कोर्ट डिफेंस की बात मानने पर मजबूर है, ठोस सबूत न होने के कारण ये केस खारिज किया जाता है, ये केस खारिज किया जाता है, ये केस खारिज किया जाता है। Oh,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।